तो गाइस आज हम गांव के पास खेत में घूमने के लिए आए हैं। तो देखिए मेरा ये टोपी मिट्टी से भरा हुआ है और इस पेड़ से एक छोटा सा फल है, देख तोड़ के खाएंगे। तो देखिए हमारा टोपी अच्छा है, लग रहा है ना। तो चलिए तो यहाँ यहाँ थोड़ा करीब आओ। यहाँ ये देखिए ना, ये कील की जैसा कंटा है ना, आपके अंदर भी घुस जाएगा तो आपकी जान भी जा सकता है। तो ये इस तरफ छोड़ेंगे तो देखिए इस कंटे का, तो इस कंटा आपको बदन में घुस जाएगा तो आपका जान भी निकल सकता है, खून भी ज़्यादा से ज़्यादा बह सकता है। देखिए कितना सा नुकीला है। तो यहाँ ऊपर में एक फल है, उसका हम तोड़ेंगे खाएंगे। तो ये देखिए कम से कम 10 मिनट मेहनत लगा तो मेरे पास ये टहनिया आया, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा सा फल है। तो ये तोड़ेंगे तो खाएंगे। दूसरा वाला भी है और कितना है, इस तरफ भी एक ही है, तो 3। ये 3 हो गया खाने के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इस टहनी को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए ना, ये गांव से भी खाते हैं, ये खट्टा लगता है। मछली खाने का कोई, तो ये संतरे का फल है और यह बीज से हम काटेंगे, काटने के बाद उसका जूस निकलेगा तो पियेंगे और उस तरफ जाके खाएंगे। तो यहाँ देखेंगे मछली है या नहीं। तो ये पानी तो गंदा हो गया तो यहाँ पर मछली भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बीच में जाएंगे। तो ये इतना सा तेजी से आवाज दे रहा है ना, इको जैसा आवाज दे रहा है। देखिए ये ककड़ा मिला है तो अभी खाने के लिए सही है। तो देखिए ये गायज, देखिए खाने के लिए मिल गया है, ये छोटी सी ककड़ा है। तो यहाँ पानी थोड़ा सा गंदा पानी है, तो यहाँ अब देखेंगे मिलेगा ही नहीं। देखिए अच्छा से, और ये इतना बड़ा सा फल भी मिल गया, ये ककड़ा भी मिल गया खाने के लिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं और दूसरा वाला है या नहीं। तो ये पानी गंदा हो गया है, ऊपर में थोड़ा थोड़ा बारिश है। हम एक खेत में आए हैं ना, वो खेत के ऊपर में हल चलाते हैं, इसीलिए पानी भी गंदा आता है। तो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे, और आना कोना मिल सकता है खाने के लिए, नहीं तो छोटा छोटा मछली और ये क्या बोलते हैं मछली उड़िया में, जो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मछली है। देखेंगे यहाँ ये कंकड़ा तो नहीं जा सकता नहीं। और ये देखिए हमारा ये क्या है, टोपी है ना, ये गर्मी के मौसम में आपका दिमाग को ठंडा रखता है। देखिए हम मिट्टी कीचड़ से भरा दिया है। तो ये छोटा सा कीड़े हैं, तो खाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये देखिए ये ककड़ा भी तो है, लेकिन ये अजीब की तरह जीभ है। देखिए ये कैसा है, देखिए खाने के लिए सही है ना, तो कीड़े है तो खाने के लिए सही है, लेकिन क्या आप समझते हैं क्या मैं बियर गाल की जैसे खाता हूँ। तो अभी हम इसको खाएंगे नहीं रे बाबा, हम नहीं खाएंगे, ये बाद में खाएंगे। केकड़ा है तो ये छोड़ देते हैं, आज उसको जान बचा देते हैं। तो मेरे दोस्तों चलिए तुम्हारा जान यहाँ पर रख दीजिए, चलिए हम ये ब्रिज के नीचे है ना, ये खेत का दिल है, यहाँ पर पानी जाता है तो थोड़ा सा पानी ठंडा है नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो हम पीछे वाला हिस्सा देखेंगे। देखिए बारिश के मौसम है, इसीलिए यहाँ पर पानी झरने की जैसा थोड़ी थोड़ी झर रही है।
तो ये पीने के लिए लाइक है, तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे पीने का। सही स्टाइल है, तो आप जब भी जहां भी खेत में फंस जाओ तो फंसोगे तो नहीं, पानी पीने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। पहले हम इसी को निकाल देंगे, तो चाकू से देखिए, नहीं तो यहाँ भी ये पीने के लिए नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे ऐसे भी पी सकते हैं। हम यहाँ पर बीच में आ गए हैं, देखिए कैसे सीखों की तरह सांप तेरा है। तो चलिए आगे देखते हैं वहां क्या मिलेगा क्या नहीं। हमारे पास ये गगरा है और ये छोटा सा फाल है, और मछली मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो कीचड़ से हम भरा का घर ले जाएंगे। तो ओके गाइस, हम यहाँ पर बीच में तो आ गए हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ये खेत का बिल है ना, और गांव की जिसी तरफ भी जाओ और देवा देवी बोलते हैं ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा घबराहट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बीच में आ गए, थोड़ा अंधेरा भी आ गए हैं, और ये ब्रिज का कम से कम लंबाई 200 मीटर होगा, और चौड़ा देखिए ये चौड़ा 3 मीटर भी नहीं होगा, 2.5 मीटर होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ तो हमको यहाँ पर घसर के चलना नहीं है, तो ये चुक चुक चुक। देखिए वहाँ एक बड़ा सा है, तो चलिए हम देख के पास में जाएंगे, तो थोड़ा जूम कीजिए दिखाइए। और ये छोटा सा है और बड़ा सा है, तो मेरा पेट भी भर जाएगा। चलिए आगे चल चुक। तो ये बड़ा वाला कंकड़ा है ना, देखिए हम थोड़ा बैठेंगे यहाँ पर। ये तो साला मरा हुआ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये हिस्सा भी कुछ नहीं है, छोटा साला क्या करेंगे, ये वाला खाएंगे। थोड़ा घुस जाए, ये देखिए कितना सा मिल गया खाने के लिए। थोड़ा प्रोटीन भी मिल सकता है यहाँ चक्रा का। तो हम चलते हैं आगे। हे, तो देखिए हम यहाँ दलदली इलाका में फंस गए हैं। फंसेगे नहीं तो ये हम देखेंगे यहाँ पर बच के कैसे निकलेंगे इस दलदली में। इस दलदली में अनाकोंडा और क्रोकोडाइल भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर, तो ये देखिए थोड़ा दलदली इलाका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मत इतना है, इतना अति के 3 से 4 फुट पानी होगा। तो पहले हम अच्छे से नहाएंगे। तो हम इधर भी जाएंगे, चला इस चश्मा के वजह से हम पानी में नहीं देख सकते हैं। तो थोड़ा और कोशिश करेंगे यहाँ पर। चश्मा नहीं चाहिए। कम से कम पानी इतना है, तो इस तरफ हम जाएंगे। तो हमारा ये पानी भी थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुश मत मैं आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई सांप नहीं तो ढसने का, नहीं तो क्रोकोडाइल, क्या भरोसा है यहाँ पर क्या है। लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी मिलता नहीं, जहाँ भी जाओ ये ऐसी तरह जगह है। तो
और क्या करें, हमें उस तरफ घाई से निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पर खुले जगह आ गए हैं। तो हम ये तो हो गया, ये हम जो रखे हैं ना, अभी इसके काट के जूस को पियेंगे। तो ये देखिए, अभी कोशिश करेंगे पीने के लिए। ये देखिए, ये पीने के बाद मेरे को थोड़ा प्रतिमी मिल सकता है। यहाँ पर विटामिन सी मिल रहा है। ये संतरे बहुत खट्टा है, तो ये छिलके है ना, ये छिलके अभी अच्छा नहीं लग रहा, ये बीच का हिस्सा है ना, पर खट्टे जैसा लग रहा है। और यहाँ प्रोटीन सी मिलेगा पीने के बाद। ये हो गया, ये दूसरा वाला। ये देखिए, यह उसका जूस में पी लिया, लेकिन ये छिलका है ना, इसका रस आपके आँख में, नहीं तो बच्चे के आँख में गिर जाएगा, तो आँख बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका आँख भी खराब हो सकता है। इसीलिए सावधानी से जब भी इस फल का संतरे खाएंगे तो अच्छे से खाए, इसका इसी छिलके का रस कहीं पर मत गिराना, आँख खास करके आँख से गिरना नहीं है। तो थोड़ा और कोशिश करेंगे। तो हमारा खाना हो गया, हम चलते हैं।